नवी मुंबई की विभिन्न समस्याओं को लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे से मुलाकात कर नवी मुंबई के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को उनके समक्ष उजागर किया। इस दौरान शहर के तमाम समस्याओं का ज्ञापन पूर्व विधायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक के माध्यम से आयुक्त को सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सागर नायक, पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं मौजूद थीं। इस दौरान बैठक में जो सबसे प्रमुख मुद्दा छाया रहा वो मुद्दा था यादव नगर में महानगर पालिका स्कूल के करीब MIDC की जगह पर स्थित लॉजिंग और बोर्डिंग का। गणेश नाइक ने इसी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार कर प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए अपनी तीव्र नाराजगी जताई। गणेश नाइक ने कहा कि इस लॉजिंग बोर्डिंग से विद्यार्थियों के मन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जिस अधिकारी ने इस लॉजिंग और बोर्डिंग की अनुमति दी उस अधिकारी की इंक्वायरी करें और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही इस दौरान अस्पताल में कर्मचारियों की शॉर्टेज, घनसोली में बेघर निवारा शेड शुरू करने, ऐरोली नाट्य गृह के काम को रफ्तार देने, स्कूल के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी निर्णयानुसार उपाय योजनाओं को अमल में लाने, स्कूल के समय में बदलाव करने, अधिकारियों के सेवानिवृत्त की उम्र की समय सीमा बढ़ाने, इन तमाम मुद्दों को गणेश नाइक ने उजागर किया, जिस पर आयुक्त ने सकारात्मक रूप से मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचनाएं भी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने यादव नगर के स्कूल के प्रकरण में नवी मुंबई मनपा अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने और लॉजिंग बोर्डिंग को शिफ्ट कर उस भूखंड को स्कूल के मैदान के लिए मांगने की मांग की। यादव नगर की इमारत शाळेची पूर्ण झालेली, मी माननीय आयुक्त महोदयांना स्मरण पत्र पाठवलं होतं किंवा या बाबतीमध्ये आपण काय निर्णय घेतला, तर त्यांनी सांगितलं की ही जागा MIDC कडून ऑफिशियली आपल्या नावावर झालीच नाही। मग मी त्यांना सांगितलं की याची इन्क्वायरीज करा की जो अधिकारी MIDC कडून कायदेशीर जागा महापालिकेला वर्ग झालेली नसताना त्या इमारतीचं टेंडर काढतो, ती इमारत पूर्ण होते, त्याला पेमेंट अदा होते, हे अधिकारी कोण? यानी जे नियमाचं जर भंगन कायद्याचा भंग केला असेल तर जरी रिटायर्ड झाले असतील तरी ते इन्क्वायरी करून त्यांना पनिश करा, अशा प्रकारची मागणी मी केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर आता लवकरात लवकर प्रोसेस सर्व करा, मान्यता घ्या आणि ती शाळा चालू करा आणि त्यासमोरचं मैदान पण घ्या आणि जेणेकरून त्या ठिकाणी शाळेचं वातावरण निर्माण होईल। बघा, वही गणेश नाइक ने महानगर पालिका अस्पतालों में तज्ञ डॉक्टर की कमी का मुद्दा उठाते हुए जल्द एक्सपर्ट डॉक्टर्स और कर्मचारियों की पद भर्ती की मांग की, जिस पर आयुक्त ने टाटा और KM हॉस्पिटल के कर्मचारियों की भर्ती की नीतियों का अध्ययन कर एक्शन प्लान तैयार करने का आश्वासन भी दिया। माननीय आयुक्त स्मरण पत्र दिले असताना टाटा कन्सल्टन्सीच्या बरोबर त्यांची बोलणी चालू आहे, लवकरात लवकर त्यांच्याकडचा आराखडा आल्यानंतर त्या सर्व जागा भरल्या जातील अशा प्रकारे त्याने आश्वासित केलं आहे आणि या गणपतीच्या कालखंडामध्ये सुद्धा ते त्या ठिकाणी कार्यरत राहणार आहे। इतना ही नहीं, इस दौरान विभिन्न लोक प्रतिनिधियों ने भी अपने विभाग की तमाम समस्याओं को आयुक्त के समक्ष उजागर किया और आयुक्त ने उन तमाम समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।